एक गांव में रामू और मंगल नाम के दो नाई रहते थे। दोनों की दुकानें आमने सामने थी। रामू सरल स्वभाव का और एक दयालु इंसान था। उसकी दुकान पर अक्सर एक बूढ़ा भिखारी आया करता था। रामू फ्री में उस भिखारी के बाल काट देता, अपना खाना उसे खिला देता और ठंड के दिनों में उसे गर्म कपड़े भी देता। दूसरी तरफ मंगल एक चालाक और कंजूस इंसान था। वह अपनी दुकान पर आने वाले ग्राहकों से इधर उधर वाले लोगों की बुराइयां और चापलूसी से भरी बातें करता। भाई साहब, तुमने रमेश के लड़के के बारे में कुछ सुना? अरे हाई स्कूल में 3 बार फेल हो गया है। रमेश के सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं। काश उसे आपके जैसे बच्चे मिले होते। रामू की पत्नी पेट से थी। एक रात रामू की पत्नी के पेट में बहुत तेज दर्द उठा। रामू अपनी पत्नी को लेकर कुछ दिनों के लिए शहर में हॉस्पिटल चला गया। उस समय जब भिखारी गांव में आया तो उसने देखा कि रामू की दुकान बंद है। भिखारी मंगल की दुकान पर गया और बोला, बेटा रामू की दुकान बंद है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे दोगे और मेरे बाल काट दोगे बेटा? अरे हाँ बड़ा, क्या तुम मुझे रामू की तरह फालतू समझते हो? मेरी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ। तुम्हारे बाल काटने का समय मेरे पास नहीं है, और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे गंदे बाल काटूंगा तो मेरे हाथ और औजार गंदे हो जाएंगे। रही बात खाने की, तो मैं खाना होटल पर जाकर खाता हूँ। अब निकल लो यहाँ से, मेरा टाइम बर्बाद मत करो। कुछ दिनों बाद रामू जब अपनी पत्नी को शहर से लेकर लौट रहा था तो उसने देखा कि बूढ़ा भिखारी सड़क पर गिरा हुआ है। रामू ने अपनी पत्नी को घर भेज दिया। बूढ़े भिखारी को कंधे पर डालकर गांव के डॉक्टर के पास लेकर पहुंचा। मैं इन्हें होश में नहीं ला पाऊंगा। शारीरिक कमजोरी और लगातार कई दिन भूखे रहने के कारण इनके शरीर में खून और ग्लूकोज की कमी हो गई है। तुम्हें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। रामू अभी अभी हॉस्पिटल से अपनी पत्नी की डिलीवरी कराकर आ रहा था। उसके काफी पैसे खर्च हो चुके थे। रामू के पास भिखारी को हॉस्पिटल में एडमिट करने के पैसे नहीं थे। अगर बाबा को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है तो एक ही तरीका है, मुझे घर या दुकान में से कोई एक चीज गिरवी रखनी पड़ेगी। घर गिरवी रख दूंगा तो पत्नी और बच्चों के लिए परेशानी होगी। दुकान ही गिरवी रख देता हूँ, कुछ दिन ज्यादा मेहनत करके दुकान को छुड़ा लूंगा। रामू ने अपनी दुकान गिरवी रख दी और बूढ़े को अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचा ली। लेकिन जब रामू गाँव लौट कर आया तो उसने देखा कि मंगल ने रामू के बराबर में ही अपने बेटे के लिए एक और नाई की दुकान खुलवा दी है। गांव में 3 दुकानें हो जाने के कारण रामू का धंधा बिल्कुल ही मंदा पड़ गया। एक दिन रामू मंगल के पास गया और उसने विनती की, मंगल भाई, क्या तुम अपने बेटे की दुकान कहीं और शिफ्ट करवा दोगे? मैंने एक भिखारी की जान बचाने के लिए अपनी दुकान गिरवी रख दी थी। अगले 2 महीने में मैं अगर रकम नहीं चुका पाया तो मेरी दुकान हमेशा के लिए मेरे हाथों से निकल जाएगी। क्या मैंने तुमसे कहा था कि भिखारी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ और उसका खर्चा उठाओ? मेरा बेटा कहीं दुकान शिफ्ट नहीं करेगा। तुम्हारी दुकान तुम्हारे पास रहे या ना रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। 2 महीने बीत गए और रामू दुकान छुड़ाने के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया। बनिया उसके घर पर आकर धमकी दे गया कि अगले सप्ताह तक अगर पैसे नहीं मिले तो रामू अपनी दुकान भूल जाए। रामू बहुत चिंतित था। उसे अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। एक रात रामू को एक सपना आया। सपने में उसे वही बूढ़ा भिखारी नजर आया जिसकी उसने जान बचाई थी। रामू, तुम जैसे नेक दिल लोग दुनिया में बहुत कम हैं। बहुत साल पहले किसी ने मुझे वरदान दिया था कि मरने के बाद मेरा शरीर सोने में बदल जाएगा। मेरी उम्र पूरी हो चुकी है। कल मैं तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा। तुम मेरे सर पर एक लाठी मारना, मेरा शरीर मरकर सोने का बन जाएगा। उसके बाद तुम अपने घर की आर्थिक स्थिति आसानी से सुधार पाओगे। अगले दिन जब रामू सोकर उठा तो रात में आए सपने के बारे में सोचने लगा। रामू को नहीं लगा था
कि उसका सपना सच होने वाला है, लेकिन तभी उसे सामने से बूढ़ा भिखारी आता हुआ दिखाई दिया। नहीं, मैं किसी के सिर पर डंडा मारकर उसकी जान नहीं ले सकता। तुम किसी की जान नहीं ले रहे हो, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। जाते जाते मैं बस तुम्हारी थोड़ी मदद करना चाहता हूँ। रामू ने कपकपाते हाथों से भिखारी के सिर पर डंडा मारा। भिखारी का शरीर जमीन पर गिर गया और सोने का बन गया। मंगल उस समय दुकान पर जा रहा था, उसने यह सब देख लिया। मंगल की लोभी बुद्धि ने सोचा, लगता है सुबह के इस समय कोई विशेष मुहूर्त होता है। अगर इस समय कोई घर के दरवाजे पर आए, भिखारी के सिर पर डंडा मारकर उसे मार दे तो उसका शरीर सोने का बन जाता होगा। मैं एक नहीं तीन तीन भिखारियों को बुलाकर उन्हें मार दूंगा और उनका शरीर सोने का बना दूंगा। फिर मैं रामू से तीन गुना ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। उस दिन शाम को मंगल मंदिर पर गया और उसने तीन भिखारियों को अगले दिन सुबह सुबह अपने घर पर आने का निमंत्रण दिया। मैं हर पूर्णिमा को गरीब लोगों को खाना खिलाता हूँ। कल सुबह 7 बजे अगर आप तीनों मेरे घर पधारेंगे तो मुझे आपकी सेवा करने में बहुत खुशी होगी। बेचारे भिखारी अगले दिन खाना खाने के लिए मंगल के घर पहुँचे। हमें आपकी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी, दरअसल ये एक रिवाज है। मंगल, उसकी पत्नी और उसके बेटे ने तीनों भिखारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी और फिर जोर जोर से उनके सिर पर डंडा मारने लगे। भिखारियों की चीख पुकार सुनकर गांव के लोग मंगल के घर पहुँचे। तीनों भिखारी मर गए, लेकिन किसी का शरीर सोने का नहीं बना। गांव के प्रधान तक ये बात पहुंची कि मंगल ने तीन भिखारियों की हत्या कर दी है। मंगल पर मुकदमा चला और उसे फांसी की सजा हो गई। महाराष्ट्र के पास एक गांव में राजेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। राजेश खेती करके अपने घर का गुजारा किया करता था, मगर इससे उनका घर अच्छे से नहीं चल पा रहा था। कभी कभी तो उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं होते थे। सुनो जी, आप कोई और काम देख लो, ऐसे तो हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। हाँ रानी, तुम सही बोल रही हो। मैं कल ही अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उसे मेरे लिए कोई काम ढूंढने को कहूंगा जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। राजेश अगले दिन अपने दोस्त सुमित के पास जाता है। सुमित बहुत ही नामी आदमी था, वो घोड़ों की रेस की प्रतियोगिता कराया करता था। और भाई सुमित, कैसे हो? अरे राजेश, बहुत दिनों बाद मिले हो भाई। मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो, घर में सब ठीक? बस क्या ही बताऊँ भाई, तुम्हें तो पता है कि खेती करके ज्यादा कमाई नहीं होती। मुझे कुछ काम बता दो जिससे मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमा सकूं। तो क्यों ना राजेश, तुम भी अपना एक घोड़ा खरीद लो और घोड़े की रेस की प्रतियोगिता में भाग लो। हम हर महीने प्रतियोगिता कराते हैं, तुम्हें पता है जीतने वाले को 5 लाख का इनाम मिलता है। राजेश 5 लाख का इनाम सुनकर चौंक जाता है। क्या कहा, 5 लाख का इनाम? इतना तो मैं पूरे साल में नहीं कमा पाता। हाँ तो तुम भी एक अच्छा सा रेस का घोड़ा देख लो और प्रतियोगिता की तैयारी करो। राजेश फिर अपने घर आ जाता है और घर आते ही वो रानी को सारी बातें बताता है। रानी को भी बात अच्छी लगी थी। गांव के पास में एक मेला लगा है जहां पर लोग दूर दूर से घोड़ा खरीदने आते हैं। राजेश भी अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके उस मेले में घोड़ा खरीदने जाता है। राजेश वहां काफी घोड़े देखता है, मगर उसे कोई अच्छा घोड़ा नहीं दिखता। तभी आखिर में उसे एक पीले रंग का घोड़ा दिखा और देखते ही उसने मन बना लिया कि वो ये घोड़ा लेगा। ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे यही घोड़ा खरीदना चाहिए। बस फिर राजेश घोड़े को अपने घर ले जाता है। घर आते ही रानी जैसे ही घोड़े को टीका लगाती है, तभी वो घोड़ा बोलता है, मेरे मालिक की जय हो। राजेश और रानी घोड़े को बोलता देख चौंक जाते हैं। क्या तुम बोल सकते हो या मैं कोई सपना देख रहा हूँ?
हाँ मैं बोल सकता हूँ, मैं एक जादुई घोड़ा हूँ। मेरी रफ्तार इतनी है कि मुझे कोई दूसरा घोड़ा हरा नहीं सकता। अब से आप मेरे मालिक हो, और कभी मुझे गिरने या मुझे कोई चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मेरा घाव अपने आप भर जाएगा और मैं सिर्फ आपके कहने पर ही दौड़ूंगा। फिर प्रतियोगिता का दिन आ गया। राजेश अपनी जादुई पीले घोड़े को लेकर प्रतियोगिता में पहुंच जाता है, और जैसे ही घोड़ों की रेस शुरू होती है, राजेश अपने जादुई पीले घोड़े को दौड़ने को कहता है। राजेश की आवाज सुनते ही जादुई पीला घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ता है कि सब घोड़ों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और चंद मिनटों में ही रेस जीत जाता है। इस तरह राजेश 5 लाख का इनाम जीत जाता है। फिर ऐसा हर बार होने लगा। जब भी घोड़ों की रेस होती, जादुई पीला घोड़ा हमेशा जीत जाता। ऐसे करते करते राजेश जादुई पीले घोड़े की वजह से अमीर होता गया। राजेश अपने घोड़े का बहुत ध्यान रखता था और दूर दूर से उसे खरीदने के लिए लोग आया करते थे, मगर वो उस घोड़े को बेचने के लिए साफ मना कर देता था। रानी और राजेश दोनों ही बहुत खुश थे। हमारे घर में जब से ये जादुई पीला घोड़ा आया है, हमारी तो तब से किस्मत ही बदल गई है, और मुझे तो लगता है ये घोड़ा भगवान ने हमारे लिए एक फरिश्ते की तरह भेजा है। हाँ रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बबलू नाम का एक आदमी जो हमेशा घोड़ों की रेस जीता करता था, वो राजेश के पीले घोड़े की वजह से रेस हारने लगा था। तब से वो राजेश से चिढ़ने लगा। मुझे राजेश के घोड़े को जीतने से रोकना होगा, कहीं वो मेरे से ज्यादा अमीर ना हो जाए। और बबलू मन ही मन उसे हराने के लिए तरकीब ढूंढता रहता था। तभी वो एक बार सोचता है, क्यों ना मैं राजेश के घोड़े की एक टांग ही तोड़ दूं? अगर वो दौड़ेगा ही नहीं तो रेस में भाग कैसे लेगा। प्रतियोगिता के एक दिन पहले रात को बबलू राजेश के घर में चुपके से आ जाता है और एक डंडे से जादुई पीले घोड़े की टांग पर जोर जोर से मारता है। घोड़े की टांग से खून बहने लगा था, लेकिन फिर जादुई पीले घोड़े का घाव अपने आप भर गया। ये देखकर बबलू चौंक जाता है। अरे, ये इसका घाव अपने आप कैसे भर गया? इतने में वो कुछ समझ पाता, तभी जादुई पीला घोड़ा अपनी टांग उठाकर बबलू की टांग पर जोरों से लात मारता है और बबलू की खुद की टांग टूट जाती है। इस तरह वो खुद ही प्रतियोगिता में नहीं जा पाता। इसीलिए कहते हैं, जो किसी का बुरा सोचता है, उसके साथ खुद ही बुरा होता है।